नमस्कार, मैं हूँ उषा। कैसे आप सब लोग? आज मैं यूनिक टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको आप हमारी उंगलियों पे जो पांच तत्व होते हैं उसके बारे में बताऊंगी, और इसके साथ साथ उंगलियों के नाम के बारे में बताऊंगी, और इसके अलावा मैं आपको ज्ञान मुद्रा के बारे में भी बताऊंगी जो कि बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ उंगलियों के बारे में। हमारी उंगलियाँ होती हैं पांच, जैसे तो उसमें हमारे पांच उंगलियों में होता है सबसे पहले अंगूठा। हिंदी में हम होता है इसको बोलते हैं अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। ये है हमारे हिंदी में उंगलियों के नाम। इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर एंड दिस इज स्मॉल फिंगर। तो इस तरह से ये हमारे उंगलियां हैं। इन उंगलियों में हमारे पांच तत्व होते हैं। वो पांच तत्व कौन से होते हैं उनके बारे में जानते हैं। इसको बोलते हैं हम अग्नि तत्व। अंगूठे में होता है अग्नि तत्व, और हमारी अनामिका में होता है, सॉरी तर्जनी में होता है वायु तत्व, मध्यमा में आकाश तत्व, इसमें होता है पृथ्वी तत्व, और कनिष्ठिका में होता है जल तत्व। ये पांच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, और यही पांच तत्व हमारी उंगलियों में विद्यमान है। तो इन पांच तत्वों का बहुत खास महत्व है हमारे शरीर में, क्योंकि कहीं भी हमारे शरीर में थोड़ा सा भी अगर असंतुलन होता है या डिसबैलेंस होता है, कहीं रोग होते हैं, तो इन्हीं तत्वों के कारण होते हैं जब डिसबैलेंस हो जाता है। तो इन तत्वों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं इन कुछ मुद्राओं के माध्यम से। हम ऐसे तो आसन प्राणायाम वगैरह करते हैं, लेकिन कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जिनसे हम अपने इन तत्वों के डिसबैलेंस होने को एक संतुलन में ला सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ज्ञान मुद्रा के बारे में। ज्ञान मुद्रा कैसे लगाई जाती है? सबसे पहले होता है इसमें अंगूठा और हमारी इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली और अंगूठा मिलकर ज्ञान मुद्रा बनती है। इसमें ज्ञान मुद्रा इस तरह से लगाई जाती है, जैसे आप बैठे हैं नॉर्मली, जैसे आप बैठते हैं उसमें आप इस तरह से मिला के दोनों हाथों से इस तरह से मिला के आप बना सकते हैं इस मुद्रा को। और नॉर्मली जैसे आप सिद्धासन या पद्मासन लगा सकते हैं, और भी अच्छी बात है। और नहीं लगा सकते तो नॉर्मली जैसे आप बैठते हैं नीचे, उसमें आप बैठकर अपने घुटनों के ऊपर रखकर ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, और आंखें बंद करके ध्यान लगा सकते हैं। और इस ज्ञान मुद्रा का आप बेनिफिट आपको बताती हूँ। ज्ञान मुद्रा लगाने से मानसिक तनाव है, चिड़चिड़ापन है जिनको, और जिन लोगों की मेमोरी लॉस है यानी कि याददाश्त की कमी है, स्मरण शक्ति तेज होती है इससे, और एकाग्रता भी बढ़ती है। बुद्धिजीवियों और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है ये। इसलिए ज्ञान मुद्रा हमें विशेषकर बहुत ही लाभदायक है स्टूडेंट्स के लिए। तो ज्ञान मुद्रा का लाभ लीजिए। और अभी के लिए वीडियो में इतना ही बताती हूँ। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मैं और भी कई मुद्राओं के बारे में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।